वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे VVI जो MCQ है क्लास 12th का मैथमेटिक्स के ऊपर उसको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम वो क्या है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या। तो हम दो वेक्टर जब सेम क्रॉस में रहता है, जब सेम वेक्टर क्रॉस में रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चाहे वो आई हो या छी जे हो या के हो या फिर कोई भी वेक्टर हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्रॉस प्रोडक्ट से है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के। यहाँ पे अगर दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं, इस तरह से मूव करता है आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। तो आई जे इस सर्कुलर ऑर्डर में करता है। तो जब दो का क्रॉस होता है तो ये तीसरा वेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों का क्रॉस होगा तो ये तीसरा हो जाएगा, इस तरह से चलता है। देन आई क्रॉस जे इक्वल टू के, देन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भी वेक्टर के ऊपर है। वेक्टर से हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वेक्टर को अच्छे से जरूर पढ़ लें। के डॉट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। जब दो वेक्टर सेम डॉट में रहता है तो यहाँ पर 1 होता है, ओके। अब यहाँ पे है द डायरेक्शन कोसाइन, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष की दिक को जाएं, तेन क्या हो जाएगा, 100। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं, इस तरह से रहता है। तो ये ओरिजिन का, ये एक्स एक्सिस का, ये बाई, ये जेड का। तो चारों में से कोई भी आपका एक पूछ सकता है, ओके। एक सरल रेखा की दिक को जाएं है तो क्या हो जाएगा, इफ़ LMN आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देन क्या हो जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। देन L² + M² + N² = 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स आर इतना, देन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो जब दिया हुआ है 1, 3, 5, देन हम लोग का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो इसको किस तरह से निकालते हैं, सिंपल डायरेक्शन रेशियोज अपॉन इसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, सिंपल इसको क्या करते हैं, अंडर रूट करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। देन 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25, देन क्या हो जाएगा, √35। अब क्या करते हैं, डायरेक्शन जो रेशियोज रहता है वो क्या होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन अपॉन ये मॉडुलस, मतलब 3 √35 एंड 5 √35, इस तरह से निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है। रेखाओं के दिक अनुपात L1 M1 L1 M L M N और L1 M1 M1 और N1 है, तो रेखाएं एक दूसरे के लंब कब हो गए। जब एक दूसरे के परस्पर लंब कब होता है, जब कंडीशन क्या होता है इसका, L1 यहाँ पे इस तरह से L L1 + M M1 + N N1 = 0, ये कंडीशंस होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम हमेशा के लिए याद रखना है। देन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर इतना, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो किस तरह से हम लोग निकालते हैं, इसका जो सिम फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, x - पासिंग थ्रू, जहाँ से पास होता है, दैट मीन्स अगर ABC से पास होता है तो यहाँ पे x - a अपॉन जो डायरेक्शन रेशियोज रहता है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज L है, देन इस तरह से, एंड y - b अगर पॉइंट है, देन M = z - c / n, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a के जगह पे 2 है और L के जगह पे मेरा 3 है, देन हम लोग किसके लिए जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आएगा, x - 2/3 = y, यहाँ माइनस वन है तो +1 - 1 = z - 3/2, तो इसके लिए जाएंगे। इसको बस याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लाइंस इतना एंड इतना आर पर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल कब होगा। ये इसका कंडीशन क्या होता है, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, L जो डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है L / 2 = यहाँ पे क्या हो जाएगा, M / 3 = N / 6, इस तरह से करेंगे। तो ये इस फॉर्म में यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से करेंगे, अगर 6 यहाँ सबका LCM होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3L हो जाएगा = 2M = N, इस तरह से करेंगे। देन B इज द राइट आंसर। क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द प्लेन इतना इज, मतलब कोई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है।
कोई प्लेन दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया होता है, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग सिंपल क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, ठीक है, अपॉन रूट अंडर एक्स वन स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड करते हैं। तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, टू है, टू इंटू एक्स वन के जगह पे जीरो इंटू जीरो प्लस बी के जगह पे वन एंड यहाँ पे बी के जगह पे वन एंड यहाँ पे जे यहाँ पे बी बाई वन, बाई वन के जगह पे माइनस वन, देन यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस वन, फिर प्लस माइनस टू इंटू थ्री, माइनस टू इंटू थ्री करेंगे प्लस वन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब फोर प्लस वन प्लस फोर का पूरा का मॉड। तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर अगर हम लोग करते हैं यहाँ मॉड लेते हैं तो पहले तो जीरो आ जाएगा, फिर माइनस वन, फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस सिक्स, फिर प्लस वन अपॉन रूट नाइन का मॉड। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, देन माइनस सिक्स अपॉन थ्री हो जाएगा, रूट स्क्वायर यहाँ पे है तो थ्री हो जाएगा का मॉड, तो तीन दूनी छः माइनस टू, देन क्या हो जाएगा माइनस टू का मॉड प्लस टू, देन टू, देन टू इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग टू के लिए जाएंगे। ओके, ये इतना थोड़ा लंबा जाएगा, तो टू इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्या है, यदि इफ पे पी ए इक्वल टू इतना, पी बी इक्वल टू इतना, देन पी ए इंटरसेक्शन इतना, देन पी ए अपॉन बी। तो इसको किस तरह से सिंपल निकालते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, पी ए अपॉन इस तरह से रहता है, देन सिंपल पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाता है, जो नीचे रहता है वो पी बी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी वन अपॉन फोर, पी बी वन अपॉन टू, देन टू अपॉन फोर हो जाएगा, दो दूनी चार, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मैट्रिक्स के ऊपर है, क्या है, द मैट्रिक्स इतना हैज नो इन्वर्स इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज, कोई किसी का इन्वर्स मैट्रिक्स कब नहीं निकालता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट हम जीरो के बराबर कर दें तो इसका इन्वर्स नहीं निकल देगा, तो यही तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है। तो कैसे हो जाएगा, देन सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री फाइव टू के इक्वल टू जीरो, देन थ्री के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू सिक्स सॉरी टेन, थ्री के माइनस टेन इक्वल टू जीरो, देन के इक्वल टू टेन अपॉन थ्री, देन टेन अपॉन थ्री, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कहाँ पे है, इस रो में इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो इस करेंगे ये ऑपरेशन, तो टू कॉमन हो जाएगा, तो ये और ये वैनिश हो जाएगा, देन पाँच चौक बीस माइनस जीरो, और बाकी का क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि कॉलन जीरो है, देन जीरो जीरो हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर्टी, फोर्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 38 क्या है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल ये फॉर्मूला पे क्या है, बेस्ड है, तो क्या हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, सिंपल कॉट एक्स का, याद रखना होगा टेन इनवर्स का होता है वन प्लस, टेन इनवर्स का अगर देखें तो टेन इनवर्स का हो जाता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन इतना इतना इंटू डी एक्स, अगर तो अगर माइनस साइन लगा देंगे तो कॉट का हो जाएगा। ओके, देन ये कॉट का होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट देंगे, और इसका डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, देन ए इज द राइट आंसर। तो ये था प्रॉब्लम जो कि वी वी आई एम सी क्यू है क्लास ट्वेल्थ के, अगर ये अगर जितने वीडियो मैं बनाई हूँ उसमें से अगर आप सारे एम सी क्यू देख लेते हो तो आपका 50% एम सी क्यू ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा जो पिछले चार साल पाँच साल का क्वेश्चन जो भी है मैं उठाकर उसका वीडियो बना रही हूँ सारे ऑब्जेक्टिव का, तो आपका मतलब अगर आप बना लेते हैं तो हम मेरा विश्वास है कि आपका 50% से ऊपर क्वेश्चन एम सी क्यू का आसानी से बन जाएगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों को फ़ायदा हो सके।